अगर एक ही दिन में तीन या चार मूवी रिलीज होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सिंगल स्क्रीन ओनर को, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो तेलुगु में, क्योंकि सिंगल स्क्रीन में ज्यादा से ज्यादा तीन से चार शो चल सकता है। अब उसमें तीन चार मूवी एक ही दिन में अगर रिलीज हो तो सभी का डिमांड रहेगा कि मुझे ज्यादा शो दो, तब एग्जीबिटर बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, जैसे हो रहा है इस 15 अगस्त को, क्योंकि इस 15 अगस्त में तीन हिंदी मूवी रिलीज हो रही है। एक है जॉन अब्राहम का वेदा, जिसमें है शर्वरी शाबी है उनके साथ, दूसरा है स्त्री 2 जिसमें श्रद्धा कपूर है, पंकज त्रिपाठी है, राजकुमार राव है, तीसरा है खेली खेल में, इसमें है अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, एनी विक और वाणी कपूर। तो ये तीन मूवी को अगर स्क्रीन देना है तो सबसे पहले सिंगल स्क्रीन ओनर को काफी प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा भी तेलुगु मूवी डबल स्मार्ट भी रिलीज हो रही है, जो पैन इंडिया रिलीज है वो भी हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा विक्रम का मूवी थंगलंग, उसको भी हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा दो हॉलीवुड मूवी भी रिलीज हो रही है, एक का नाम है हार्लोड एंड पार्पल कारिया जो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, और एक मूवी 16 अगस्त को रिलीज हो रही है, फ्रिक एलियन रोमुलस। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होता है एग्जीबिटर को, खास करके सिंगल स्क्रीन ओनर को, कि जब तीन और दो पांच और दो सात, मतलब 7 मूवी एक ही दिन में रिलीज हो रही है, सिर्फ मैं हिंदी और पैन इंडिया जो साउथ इंडियन मूवी उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मल्टीप्लेक्स की देखें तो मल्टीप्लेक्स लोग बच जाता है, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि काफी पहले से उन लोग एडवांस बुकिंग चालू कर रहे हैं। तो किसी का एडवांस बुकिंग हुआ है, सोच लीजिए कि 1000 टिकट सोल्ड आउट है, और किसी का हुआ है 10,000, तो वो लोग जनरली क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो 1000 टिकट सोल्ड आउट है तो तुम्हें शो कम मिलेगा, जिसका 10,000 टिकट सोल्ड आउट है उसको ज्यादा शो मिलेगा, या एक दिन के बाद वो लोग शो कम कर देता है। लेकिन जो मल्टीप्लेक्स सिर्फ दो स्क्रीन है उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाते हैं। सिंगल स्क्रीन ओनर को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है इस साल, क्योंकि सभी का डिमांड है उसको शो देना है। अब सिंगल स्क्रीन ओनर क्या करेंगे ये काफी मुश्किल है, क्योंकि स्त्री 2 तो ट्रेलर अच्छा हुआ है, इसका डिमांड भी काफी अच्छा है, लेकिन बाकी दोनों मूवी भी किसी भी टाइम पलट सकता है। ये देखना है कि ये दोनों मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्योंकि स्त्री 2 का तो डिस्ट्रीब्यूटर है पेन स्टूडियो और पीवीआर आइनॉक्स, तो काफी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर का भी डिमांड रहता है, कहता है कि मैं साल में 15 मूवी आपको देता हूँ, या आपका 10 मूवी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं आपको 10 मूवी दूंगा, और उस टाइम में इस टाइम पे आप मेरा मूवी नहीं डाले, तो एग्जीबिटर काफी प्रॉब्लम में फंस जाता है। जो हो रहा है इस साल 15 अगस्त को तीन मूवी एक साथ, तीन हिंदी मूवी एक साथ रिलीज होने पाए, इसके पहले भी लास्ट ईयर में भी जो हुआ था जेलर, फिर ओ माय गॉड 2 और गदर 2 रिलीज हुई थी, उसमें भी काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सिर्फ तीन ही था। इसमें तीन मूवी के साथ साथ और भी कई सारे मूवी है, और ऊपर से बच्चन पांडे मूवी भी उस दिन रिलीज हो रही है, लेकिन ये तेलुगु मूवी है, अब हिंदी में डब करके उसी दिन रिलीज होगी कि नहीं इसके बारे में अभी भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। अगर वो मूवी रिलीज हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा ये सिंगल स्क्रीन ओनर जो हो रहा है। तो अब देखना ये कि सिंगल स्क्रीन ओनर इसको किस तरह से मैनेज करता है। ये लोग ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दो मूवी रिलीज हो। देखिए अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, ज्यादा मूवी रिलीज नहीं हुआ। अब ये 15 अगस्त को क्यों डेट चुना है, उन लोगों का कहना है कि एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो 15 अगस्त को इसलिए रिलीज किया जा रहा है कि बिल्कुल ये मूवी ओटीटी में दशहरा में आए। अब देखिए इसे 15 अगस्त को नहीं, 23 अगस्त और 30 अगस्त दोनों डेट में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही। सोचिए सिर्फ एक ही डेट में सारे मूवी रिलीज हो रही है, और बाकी जो दो डेट है उस महीने के उस दिन में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रहा, तो इससे काफी प्रॉब्लम होता है सिंगल स्क्रीन ओनर को, और ये इस साल बहुत ज्यादा होगा उन लोगों को। अब देखना ये वो किस तरह से इसको सॉल्व करते, क्योंकि किसको ज्यादा शो मिलेगा ये सिंगल स्क्रीन में, ये कहना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।